मैं जो मंजिल को जो पैदल मार के इसके सामने वाली जो गली है इसके मार्केट में मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से शाम वगैरह हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी भगवान से रिलेटेड जो भी हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला है, आपको सीढ़ी से उतर कर आप जा सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ से सीधा लेके चलूँगा माई घाट और हर की पैड़ी उधर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अपने बच्चों के खिलौने का रखिए, हथियारों का रखिए, लेकिन इस तरह के खिलौने से खरीदने से पहले आप सोच सकते हैं कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है। अभी तो माते खिलौने हैं, लेकिन किस तरह से पूजा पाठ से रिलेटेड यहाँ पर सभी सामग्री मिलती है, श्रृंगार का सामान का सज्जा का सामान है, देखिए और रुद्राक्ष है, और ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं छोटे छोटे। और देखो इन्हीं गलियों में आपको देर से छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, देखिए आप। और ये सामने रास्ता है, अभी ये सामने जो है रास्ता जो हमारा जो बस स्टैंड से जो पैदल पैदल रास्ता आता है मेन रोड के पैदल में, वही रास्ता है ये। ये देखिए दोस्तों ये जो रास्ता आ रहा है ये इधर से भी बस स्टैंड से पैदल वाला रास्ता आ रहा है, और ये अभी हम लोग इधर जाएंगे ऐसे चलेंगे। अभी आप चाय नाश्ता करें आप कर सकते हैं। तो आप जो है पूरी मार्केट का आनंद ले सकते हैं, माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। और अभी मैं आपको देखिए कितना शॉर्ट का रास्ता है, और अभी मैं आपको यहाँ से सीधा नाई घाट ले चलूँगा। सीधा चलेंगे नाई घाट की तरफ, और आपको यहाँ पे 24 घंटे में कभी भी आपको खाली नहीं लगेगा कि आप भीड़ नहीं है। देखिए आप नाश्ता वगैरह आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए नाश्ता। दोस्तों जो मैं एक दुकान बार बार आपको दिखाया था, ये समोसे वाली दुकान है, क्योंकि ये मैंने अपनी कई वीडियो में बार बार हर बार वीडियो में दिखाता हूँ। और यही आप देखिए हम जब आएँगे और आप आके यहाँ पे आके जब बाईं तरफ मुड़ेंगे तो ये हमारा जो है नाई घाट आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप टू व्हीलर से आएँ तो टू व्हीलर से आराम से जहाँ से भी आया हूँ वहाँ से आप टू व्हीलर से आ सकते हैं, और आप अपने यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों गाड़ी खड़ी करने के बाद आप यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, माँ गंगा के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं जो पुल आपको सामने दिख रहा है, अगर पुल आप पार करेंगे तो पुल के पार जो है आपको हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड सब उधर आपको मिलेंगे, तो आप हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान कर सकते हैं। जैसे कार्तिक मास है तो लोग यहाँ पर अपने श्रद्धालु दिन दीप वगैरह जलाते हैं, दीप जलाते हैं और दीपदान करते हैं, और गंगा स्नान का आनंद यहाँ पर पुण्य कमाते हैं गंगा स्नान में, गंगा स्नान करके